पीछे से लोग एक मिनट थैंक यू तो अभी फार्मासिस्ट कौन है फार्मासिस्ट और वो अपने फर्स्ट 100 कस्टमर अच्छे से अपने वो 5% तो ऑटोमेटिकली वेरी गुड सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच माइक के लिए करो जरा माइक के लिए करो तो बोलो रेडी स्टार्ट हां बोल कुछ सर क्या कहना चाहेंगे आज यहां पे नेहरू में जो आधार जल्दी का आधार सेंटर आज आपने ओपनिंग किया आज हमारे शमशेर जी ने यहाँ पर हमारा नया रिटेल फ्रेंचाइजी बराबर नेहरू स्टेशन के सामने हम लोग ने इनॉग्रेशन किया है केजीएन मेडिकल स्टोर के माध्यम से हम लोग ने यहाँ पर जल्दी का आधार के और एक फ्रेंचाइजी हम लोग ने इनॉग्रेशन किया है। जल्दी का आधार का जो एक मकसद है कि पूरे इंडिया के लोगों को मेडिसिन जो है वो अफोर्डेबल प्राइस पर हमको देना है और उसी के लिए मतलब अगर आप देख सकते बहुत ही ज़्यादा लोगों से मतलब पॉपुलेटेड ये एरिया है और यहाँ के जितना भी ज़्यादा लोग हैं जो मेडिसिन जो है वो आपको 80% लेसर प्राइस तक इनको मिलेगा क्योंकि जब हम लोग मेडिसिन की बात करते हैं तो हर एक घर का जो बिल आता है वो 8 से 10 हज़ार के आसपास महीने का आता है डायबिटीज़ हो हाइपरटेंशन हो तो जेनरिक आधार हर एक मेडिसिन जो है वो लोगों तक अफोर्डेबल रेट्स में पहुँचाएगा। यहाँ पर हमारे जो शमशेर जी है इनके माध्यम से यहाँ पर जो लोग हैं जो जनता है उनको जो मेडिसिन से रोज के उनको बहुत कम रेट में मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट होगा। जैसा कि सर देखा जा रहा है पूरे देश में जेनरिक आधार मतलब ऐसा लगता है कि छा गया है और लोगों की बहुत बेनिफिट हो रही है तो क्या कहना चाहेंगे और न्यू मुंबई में कितने और ब्रांच हैं आपके और कितने अभी खुलने वाले हैं? अभी तो पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पर हम लोग मेडिकल हमारा फ्रेंचाइजी चालू करें जेनरिक आधार का वहाँ पर जो लोगों का डिमांड है मतलब मैं इतना कहूँगा यहाँ पर हम लोग सिर्फ जॉब क्रिएट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर एफोर्डेबल मेडिसिन नहीं दे रहे बट उसके साथ साथ हम लोग एक एंटरप्रेनर बना रहे हैं मतलब शमशेर जी ने यहाँ पर फ्रेंचाइजी ली है तो उनका खुद का एक बिजनेस उन्होंने चालू किया मतलब आज बहुत सारे मतलब 1500 से अधिक हमारे साथ में फ्रेंचाइजी के जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं एंटरप्रेनर्स माइक्रो एंटरप्रेनर्स बना रहे हैं। आज आप ऐसे कितने महिला है जिन्होंने फ्रेंचाइजी चालू किया आज उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर उनका दूसरा स्टोर तीसरा स्टोर डाला है ये क्यों हो पा रहा है क्योंकि ये लोगों की ज़रूरत है जिसके ऊपर हम लोग काम करें और उस तक हम लोग पहुंचने का आज पूरा काम करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि देखा गया सर अभी 15 अगस्त को आपके और 50 प्रोडक्ट आए हैं मार्केट में क्या कहना चाहेंगे? सीएम साहब भी आए थे कितनी खुशी हो रही है सर क्या कहना चाहेंगे लोगों? अभी हमारे जो नए प्रोडक्ट जो हम लोग कहते हैं जो एफोर्डेबल मेडिसिन है वो 15 प्रोडक्ट्स हम लोग ने ये 15 अगस्त को हम लोग ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम लोग ने लॉन्च किए। ये जो 51 प्रोडक्ट्स है सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है बट हर एक घर का आधार है
क्योंकि जो मेडिसिन रहते हैं वो एक एक मेडिसिन जो मार्केट वैल्यू उसका 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ का रहता है, वो अभी हमारे प्रोडक्ट एक एक प्रोडक्ट हम लॉन्च करें तो लोगों के महीने की बचत हम लोग करने हुए जा रहे हैं। शुक्रिया। रेडी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैंने खुद स्पेशली देखा है कि ये जेंडी का आधार बहुत बेनिफिट है, क्योंकि मेरे भाई का भी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। केएम हॉस्पिटल के पास में शायद आपका ब्रांच नहीं है सर, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और मैंने देखा बहुत महंगी दवाएं हैं, लेकिन आपका जहाँ जेंडी का आधार था साइन हॉस्पिटल के सामने रॉयल मेडिकल, तो मैंने वहाँ से दवा लाई, बहुत बेनिफिट हुआ सर। जैसे 700 की दवा है, मैंने 90 रुपये में लाई, सोचिए कितना बेनिफिट है सर, कितनी मतलब वहाँ पे लूट है। और आपने जैसा कि मेडिकल और ये लाइन को कोई क्रैक नहीं कर सकता, आपने इतनी उम्र में क्रैक किया, क्या कहना चाहेंगे सर? पहले बात तो आपने ये जो चीज़ कही ना, आज ये हर एक घर से हमको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। मतलब आज हम लोग सिर्फ एक बिजनेस नहीं बड़ा कर रहे हैं, बट उसके साथ में लोगों के ब्लेसिंग्स मिलते जा रहे हैं, और वो हमारे सच में बेनिफिशियरी चीज़ है। मतलब आज जो 16 उम्र में मैंने ये चीज़ चालू की थी, और आज 3 साल के अंदर इतना सक्सेस उसको मिलता गया, क्योंकि ये जो रियल प्रॉब्लम था ना, वो देखने के बाद में हम लोग इसका सोल्यूशन दिया। आज आपके से कितने लोग, मतलब मैंने पे जब मेडिसिन के ऊपर पैसे बचाते हैं ना, वो उनका जो दुआएं देते हैं, वो आज की तारीख में हमारे लिए, आज मतलब यहाँ पर शमशेर जी ने हमारा नया यहाँ पर फ्रेंचाइज खोला है, यहाँ के जो आम जनता है, जब उनका महीने का बिल 10,000 रुपये से 2,000 आएगा, जो ब्लेसिंग्स वो देंगे ना, वो बहुत मायने रखेगा। तो आज झंडी का आधार इसी तरह के से, आज हम लोग 150 प्लस सिटीज़ में 15 से ज़्यादा हमारे आउटलेट है, आने वाले समय में हम लोग के 300 से ज़्यादा शहरों में इसके फ्रेंचाइजी होने चाहिए, मतलब हम लोग करने वाले, तो यही माध्यम से हम लोग आगे काम कर रहे हैं। केएम हॉस्पिटल और टाटा हॉस्पिटल के पास सर आपकी ब्रांच नहीं है, वहाँ पे बहुत मतलब ऐसा है लूटम बाजी है, क्या बोले सर, 10,000 की दवा 2,000 रुपये मैंने आपके जेंडिक स्टोर से मैंने खुद लाया हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी हम लोग जितने भी हॉस्पिटल है पूरी इंडिया में, अभी महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से भी और हमारे मतलब मोदी जी के माध्यम से भी जितने भी हॉस्पिटल है उनके साथ में हमारे सकारात्मक बात चल रही है कि वहाँ पर जेंडिक आधार के फ्रेंचाइजी के मार्फत लोगों को सस्ती अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन मिले, तो यही चीज़ अभी हॉस्पिटल के हर एक सामने आप जल्दी से जल्दी देखना चालू करेंगे। लास्टली क्या कहना चाहेंगे लोगों से, आम जनता से, यहाँ पर की जनता से और देश भर की जनता से, क्या कहना चाहेंगे पब्लिक से? मैं यही कहूँगा कि मेडिसिन जो होते हैं उसको सॉल्ट नेम देख के हमको मेडिसिन खरीदने चाहिए, ना कि ब्रांड नेम देख के। मेडिसिन होते हैं ये मेडिसिन होते हैं, इसमें जो ब्रांडिंग होता है वो बाद में होता है। तो आज हम लोग जो मेडिसिन होते हैं ना, उसका मतलब पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल, उसको कोई ब्रांड देख के ना ले, तो आपको ही आपके ही पैसे बचेंगे, और सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर जेंडिक आधार के जितने भी आप प्रोडक्ट देख पा रहे हैं उसके ऊपर हम लोग भी वहाँ से ही लेते हैं जहाँ से MNC कंपनीज प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो बाकी इसके वजह से जो क्वालिटी है उसके ऊपर मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, बट प्राइस के ऊपर डिफरेंस होता है, क्योंकि हम लोग एक एक प्रोडक्ट को मार्केट नहीं करते। तो ये जो चीज़ है, तो मैं यहाँ पर शमशेर जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा आज ये चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शमशेर जी क्या कहना चाहेंगे सर, आए हैं आपका? और सबसे पहले तो मैं मिस्टर अर्जुन देशपांडे सर का बहुत बहुत थैंक्स करूँगा कि आप मेरे स्टोर में खुद आए हैं और इतना बड़ा दिन दिए हैं मुझे। आज ओकेशन है मेरा ओपनिंग का, और आपने मुझे आके बहुत खुशी हुई है मुझे। और मैं एक ये बोलना चाहूँगा कि जेनरिक आधार से मैं जब जुड़ा तो मुझे पहले ही दिनों से ऐसा लगा कि हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मुझे सेटिस्फेक्शन और मेरे कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन में दे सकता हूँ, ना ही मतलब दिली तसल्ली दे रहा हूँ, पैसे से भी दे सकता हूँ मैं। और एक बोलते हैं ना इमोशनल जो होता है, कि अगर बहुत से इंडिया में हमारे लोग ऐसे होते हैं जो दवा के वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और गुजर जाते हैं, ऊपर वाला इसी तरह सर को ब्लेस करे, लोगों को ब्लेस करे, हमारे देश के वासियों को ब्लेस करे, और दवा से उनको बहुत अच्छी हेल्थ और वेल्थ करे, प्रॉस्पेरिटी होते रहे उनकी। मैं यही कहना चाहूँगा, और आगे मैं ये कोशिश करूँगा जहाँ तक मेरी कोशिश होगी अपना बिजनेस और अपनी कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए, मैं बहुत अच्छा योगदान दूँगा उसमें। सर एक आपसे लास्ट क्वेश्चन है, जेंडिक तो आजकल बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन स्पेशली देखा जाए तो जेंडिक आधार जितना परसेंटेज डिस्काउंट देता है वो कोई जेंडिक नहीं देता, सिर्फ लिख देते हैं 80%, 60%, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
देखिए परसेंटेज डिस्काउंट का नहीं होता ही, मतलब पहली बात तो डिस्काउंट जो होता है ना वो बाय प्रोडक्ट है, मतलब आज हम लोग जो मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट लेते हैं वो MNC कंपनीज भी उसी रेट में देती है, बट आज जो हम लोग ने जो सप्लाई चेन जो बोलते हैं वो हम लोग ने ट्रेडिशनल का पूरा हम लोग ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि प्रमोशन जो होता था 10 रुपये की मैन्युफैक्चर जो चीज़ है वो लोगों को 1000 रुपये में बेची जाती थी, तो हम लोग ने मिडल मैन का कॉस्ट वो कम करके छोटे छोटे व्यापारियों को संधि दी उसमें, उसके बाद में हम लोग जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर उनको आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग ने उनको संधि दी, तो इसकी वजह से हम लोग जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी ग्रो हो रही है और उसके साथ साथ में लोगों को सच में मेडिसिन के ऊपर अप टू 80% तक का डिस्काउंट मिलता ही है, मतलब वो ऑफिशियली है ही, तो वो हम लोगों तक से और अच्छे से पहुँचा रहे हैं और मेडिसिन अवेलेबल करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जेनरिक आधार जो है वो एक मान्य ऐसी कंपनी है जो मेडिसिन हाई क्वालिटी की भी रहती है, डिस्काउंट रेट में भी रहती है और हमारे छोटे व्यापारियों को उसको में संधि भी मिलती है, तो ये मैं चीज़ कहूँगा। थैंक यू।